एक बुंदेलखंड में गाड़ी चलत कंडा को कड़ो, कंडा को कड़ो ठटरी को बंदो। और जे दो ही आदमी काम के नन्या, ना कंडा को कड़ो और ना ठटरी को बंदो। कहा के कंडा को कड़ो कौन दिखाते है, कहा दिखा था, और ठटरी को बंदो सुमोरदा है। हमने एक नई गाड़ी बनाई, वो जा गाड़ी को दे सकत, जा भी गाली केवल एक ही आदमी को दई जा सकत। गौर करियो आप और, जब हनुमान जी लंका में गए, रावण तो अपनी ठान में है, तो मैं बोलें केस हूं, जब चलता हूं तो धरती कप जाती है, मैं बोलें केस हूं, जब मैं गरजता हूं तो ओए ओए हो जाती है। हाँ, हनुमान जी बोले, हमने तो उरावल के बारे में सुनी, जोन बाली की कांखरी में 6 महीना चपूरा हो तो बेईरावल आओ तुम। सो जैसे ही लंका में चर्चा फैल गई, काहो अपने सरकार 6 महीना कांखरी में चपे रहे, ये पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि ओ राम अपनो राजा कांखरी में चपोरा। मंत्री कन्ने जब तो एक दिन हमें सरकार बेहोश डरे मिले थे एक जगह, हमने कही क्या होगा, सो कह रहे थे तपस्या पे डटे थे, उन्हें जानो ही बताई कि कांखरी में से गिरे बेहोश। और का अब का भाव, जब इतनी चर्चा गांव में फैल गई, धीरे धीरे जनियन को पतो परो कि कांखरी में चपेरे सरकार। वो जब जनियन में जब चर्चा फैली, जैसे आज अगर कोनो गांव में कोनो सरपंच इतनो पद्रो कर देवे के गांव के पूरे लोग मर जा, केवल लुगाई बचवे, तो वे लुगाई तो गारी दे के इन्हें करता जो कछु। सो पूरी राक्षसी, हाँ, जिनके चले गए ऊपरे, बेसबरी गारी दे रही रावण को। वो का कह रहे, गौर करिए का कह रहे, अलग अलग घर में अलग अलग चर्चा। बोली भेरा दाओ कांखरी के कड़े ने, अरे भेरा दाओ कांखरी के कड़े ने, हो भेरा दाओ कांखरी के कड़े ने, भेरा दाओ कांखरी के कड़े ने। कंडा के कड़े ने नहीं, कीने कांखरी के कड़े ने। पूरी लुगाई करी का बताए जी, हीरा सो चल रहा तो हमारे गांव तो बढ़िया खूब सुख संपत्ति हती। बोले भेरा दो कांखरी के कड़े ने, ये भेरा दो कांखरी के कड़े ने, भेरा दो कांखरी के कड़े ने। अब की को का नुकसान होगा, एक राक्षसी बोली, बोले भूसा मिलोनी पर गई कुठिया, भूसा मिला के कुठिया बनाई जा। बोले जी जी हमारी बढ़ गया भूसा मिलोनी कुठिया हती, बिल्कुल राख हो गई। अरे भूसा मिलोनी बर गई कुठिया, मोरी पर गई नई नई धुतिया, मोरी पर गई नई नई धुतिया, मोरी बन गई नई नई धुतिया। का करवा दो कांखरी के कड़े ने, भेरा दो कांखरी के कड़े ने, भेरा दो कांखरी के कड़े ने, भेरा दो कांखरी के कड़े ने। जैसे इतनी चर्चा सुनी तो एक राक्षसी बोली, तुम्हें धुतिया या दिखा रही, ऐसे बड़ी लंका। बोले ऐसे बड़ी जैसे बरत होले का, ऐसे बड़ी जैसे बरत होले का, मोरो पर गओ नौ पोले का। बोले अमा सुख में टंगो तो बंदरा होता कुंद गाँव में पोल का और बढ़ गाँव।
बुलिए से बड़ी जैसे बरत होले का मोरो परे गौ नौ पोले का मोरो परे गौ नौ पोले का मोरो परे गौ नौ पोले का तो परवा दो ए परवा दो काखरी के खड़ी ने परवा दो काखरी के खड़ी ने परवा दो काखरी के जी का होगा बोले का बताइए अरे लय ते पगिया की रखवाली लय ते पगिया की रखवाली बलम हमाए जम्बू माली बलम हमाए जम्बू माली सो हुन मरवा दो काकरी के कड़े ने बोली रखवारी कर रहे थे बोले वही पंद्रह आ तो ऊखो बिल्कुल तई समाप्त कर दो बोले ऐसो करे लयते बगिया की रखवारी लयते बगिया की रखवारी अरे मरवा दो काखरी के कड़े ने मरवा दो काखरी के कड़े ने ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे ललितपुर से पधारे सम्मानीय भगत राजा जी की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार है बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाख शिशी बोली बोले बताओ जब ऐसी समझ में नहीं आई पनवेश रेखो बोले कावे पूछ की इतनी हती गिंडिया पूछ की इतनी हती गिंडिया देखत देखत भाई पिंडिया देखत देखत भाई पिंडिया देखत देखत भाई पिंडिया बोले एक और बंदरा आओ तो बोले अंगद नाम को बोले रावण से ऊंचो सिंहासन पूछे पूछ को बन गाओ तो बोले रावण से ऊंचो बैठे तो सुन लजवा दो काखरी के कड़े ने ये लजवा दो काखरी के कड़े ने लजवा दो